हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइव मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं वो है ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में आज हम बात करेंगे। इतने आसान लफ्जों में, इतने आसान तरीके से, एक स्टोरी फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको मैं ARP एक्सप्लेन करूंगा कि अगर भाई साहब आपको आधी रात में भी उठा के कोई पूछ ले कि ARP क्या होता है तो आप उसको बता दो। इतने आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ARP, ठीक है। तो इसका जो बेसिक मुद्दा है, जो बेसिक पॉइंट है इस प्रोटोकॉल का, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का जो बेसिक मुद्दा है वो क्या है कि अगर आपके पास IP है, यानी कि यू हैव अ IP एड्रेस, लेकिन आपको MAC एड्रेस नहीं पता उसका, तो आप क्या करते हो, ARP यूज करते हो टू लोकेट टू फाइंड द MAC एड्रेस। समझ में आया कि नहीं? मतलब आपके पास IP है, IP एड्रेस है, बट यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द MAC, तो उसके लिए आप ARP यूज करोगे टू लोकेट द MAC फॉर दैट अप्रोप्रिएट IP एड्रेस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अभी कैसे होता है पूरा सिनारियो, पूरा सिचुएशन एक स्टोरी फॉर्म में विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा। लेट्स कंसिडर, यहाँ पे मैं हूँ, ये एक होस्ट है A, और इस नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे होस्ट जो है लगे हुए हैं। ये होस्ट B है और यहाँ पे मेरा है राउटर, लेट्स कंसिडर। तो ये जो मेरा नेटवर्क है इसके अंदर बहुत सारे होस्ट हैं, ये होस्ट A है, होस्ट B है। लेट्स कंसिडर अपन होस्ट A है, अपने को कुछ मैसेज सेंड करना है, ओके, कुछ पर्टिकुलर डेटा सेंड करना है होस्ट B को। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे आपका फिजिकल लेयर, फिर उसके बाद यहाँ पे DLL, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब वो डेटा या फिर जो भी मैसेज कहो वो आपका ऊपर से आता है, वो मैंने सब कुछ बताया था आपको हाउ ऑल लेयर्स वर्क्स, उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया डिटेल में। तो आपका मैसेज या डेटा जो है वो यहाँ से ऊपर से आता है एप्लीकेशन लेयर से, उसमें फिर हेडर टेलर सब जुड़ते जाते हैं हर एक लेयर पे, और फाइनली आपका जो मैसेज है वो बी तक जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एट नेटवर्क लेयर हम डील करते हैं हमारे IP एड्रेस के साथ, बराबर। तो अभी यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती है वो है सोर्स IP एंड द डेस्टिनेशन IP। तो IA हमें पता है, IB हमें पता है, बराबर ना, वी नो व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ IB, इतना हमें आइडिया है। IA पता है, खुद का तो पता होना ही चाहिए भाई, नहीं तो लालत है। तो IA पता है, IB ये भी पता है। अब नेक्स्ट जब मैं नीचे आता हूँ DLL में, तो DLL में हम क्या करते हैं, DLL में हम लोग एक तरीके से MAC एड्रेस के साथ डील कर रहे हैं, बराबर। तो अभी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर होस्ट B के MAC एड्रेस की, लेकिन हमें MAC एड्रेस नहीं पता होस्ट B का, तो फिर क्या किया जाए, तो हमें इस पर्टिकुलर मुसीबत से बाहर कौन निकालेगा, तो वो है उसका नाम एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यानी हमारे पास IP एड्रेस है, बट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द MAC एड्रेस ऑफ दैट होस्ट, तो उस केस में हम ARP को यूज कर सकते हैं। अब ARP हमारी कैसी मदद करेगा इसमें, ARP हमारी मदद करेगा बाय सिंपली यूजिंग अ ARP रिक्वेस्ट पैकेट। यानी हम क्या करेंगे, एक इस पर्टिकुलर होस्ट से हम अपने ARP रिक्वेस्ट पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ARP रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या होगा वो सब कुछ चीज़ें अभी जानते हैं। तो मेजर जो चीज़ें आपके ARP रिक्वेस्ट के अंदर होंगी वो क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे एक सवाल पूछा गया होगा। सवाल क्या पूछा गया होगा कि मुझे आपका IP एड्रेस पता है बट मुझे आपका MAC एड्रेस पता नहीं है। ये सिंपल सा सवाल पूछा गया होगा, मुझे आपका IP एड्रेस पता है लेकिन MAC एड्रेस पता नहीं, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि मुझे आपका MAC एड्रेस बताओ, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा इसमें, इसके अंदर आपका जो सोर्स MAC एड्रेस है वो भी मेंशन्ड होगा, ताकि पता चले कि भैया ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है। तो सोर्स MAC एड्रेस जो है ये MA है, ओके, और रिसीवर MAC एड्रेस यानी कि आपका डेस्टिनेशन MAC एड्रेस क्या होगा। तो अभी बेसिकली हमें पता नहीं है, बराबर है कि नहीं, कि क्या MAC एड्रेस है, वही तो हमें फाइंड करना है। तो अभी इस जगह पे हम क्या डालें, तो इस जगह पे हम डालते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस पे हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस डालते हैं, यानी कि FF कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा FF, ठीक है। इस तरीके से हम ये अपना ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हैं, और फिर ये जो पर्टिकुलर आपकी ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट पैकेट है, ये आपका ब्रॉडकास्ट होता है ऑल ओवर द नेटवर्क। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट पैकेट है ये सब रिसीव करते हैं, बिकॉज ये ब्रॉडकास्ट है, बराबर है। तो ब्रॉडकास्ट है तो सब रिसीव करेंगे, लेकिन रिप्लाई कौन करेगा, सिर्फ IB। कैसे, यही क्यों रिप्लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे उसका IP मेंशन्ड है, क्योंकि सवाल किसे पूछा गया है,
वही जवाब देगा, बाकी के झमेले में नहीं पड़ेंगे। सवाल जिसको पूछा गया है वही जवाब देगा, बराबर। ब्रॉडकास्ट किया, रिसीव सब करेंगे, सिर्फ रिप्लाई ये करेगा क्योंकि सवाल उसी से पूछा गया है। तो फिर बी भी रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो देखेगा, अच्छा सवाल पूछा गया है कि भैया जो होस्ट ए है उसको मेरा आईपी तो पता है, आईपी एड्रेस, लेकिन वो मेरा मैक एड्रेस जानना चाहता है, इसीलिए उसने एआरपी रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है। ओके, तो वो क्या करता है, ये सारी सिचुएशन समझ जाता है और उस हिसाब से अपना जो रिप्लाई उसे वो जनरेट करता है। अब रिप्लाई के अंदर क्या होता है, वो कहता है कि अच्छा आपको मेरा आईपी पता है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपना आंसर डाल देता हूँ। आंसर क्या है, आंसर है उसका मैक एड्रेस, लेट्स कंसीडर द मैक एड्रेस ऑफ होस्ट बी इज एमबी, तो वो अपना मैक एड्रेस उधर डाल देता है। ओके, और साथ ही साथ जो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जैसे हमने यहाँ पे फिल इन किए थे रिक्वेस्ट के अंदर, वैसे ही वो यहाँ पे भी सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस फिल करता है। सोर्स मैक एड्रेस क्या है, एमबी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, एमए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, यहाँ पे यूनिकास्ट होगा। तो हमेशा याद रखना एआरपी की जो रिक्वेस्ट होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, और एआरपी का जो रिस्पॉन्स होता है, एक तरीके से जो रिस्पॉन्स हमें होस्ट बी से रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो यूनिकास्ट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है, रिस्पॉन्स यूनिकास्ट होता है, क्योंकि यहाँ से बी से सिर्फ वो ए को जाएगा, ये बीच वाले जो है इनको नहीं मिलने वाला कुछ भी, ये डायरेक्टली जो है आपके ए तक जाएगा। लेकिन अभी उसे पता कैसे चला कि एमए डालना है डेस्टिनेशन एड्रेस पे, मैक एड्रेस, तो वो उसको पता चला बाय दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फील्ड। तो रिक्वेस्ट फील्ड में आपका जो सोर्स मैक एड्रेस था वो आपने मेंशन कर रखा है कि हाँ ये रिक्वेस्ट मेरी तरफ से जा रही है, तो जवाब भी मुझे ही देना, किसी और को मत देना। तो यहाँ पे वो लिखा गया और उसने जवाब दिया और ये रिस्पॉन्स जो आपके ए के पास आ गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। और उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो, उस मैक एड्रेस को यूज कर सकते हो, यू विल बी यूजिंग दैट मैक एड्रेस, बिकॉज डीएलएल में वी आर डीलिंग विद मैक एड्रेस, तो उसमें आपको सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लगेगा फॉर कम्युनिकेटिंग, फॉर सेंडिंग डेटा, फॉर सेंडिंग डेटाग्राम, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो उसमें आपके पास खुद का मैक एड्रेस तो होगा, और साथ ही साथ अभी जो रिस्पॉन्स दिया है बी ने, उसका मैक एड्रेस भी आप एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस जोड़ दोगे, और फिर उसके साथ आप फ्लुएंट इफिशियंट कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसमिशन कर पाओगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। इस स्टफ के लिए हम लोग बेसिकली, इस चीज के लिए हम लोग यहां पे एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, कि जैसे कि हमारे पास आईपी था, आईबी था, लेकिन मैक पता करना था, तो हमने मैक पता किया बाय यूजिंग द एआरपी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एआरपी समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।